नमस्कार, सलाम। मेरा नाम निशान, आज फिर आपके सामने लेकर है एक न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम कोरल ड्रॉ का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं कोरल ड्रॉ। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कुछ थ्योरी और कोरल ड्रॉ में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। आपको ऊपर में एक आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो गया है। ये हमारे कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है। एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये काम वो सारी चीजें होता है। ये भी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, उसी तरह हमारा कोरल ड्रॉ भी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। बेसिक से चीजें सिखाएंगे। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा है। आप न्यू पेज दो तीन तरीके से ले सकते हैं। एक, आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज का टैब ओपन होगा। सेकंड, आप फाइल में जाके न्यू कर सकते हैं। और थर्ड, आप कंट्रोल एन, शॉर्टकट है न्यू पेज का, आप कंट्रोल एन ले सकते हैं। ये न्यू पेज का टैब आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम लिखा हुआ है। नेम में आप जो भी चीजें आप बना रहे हैं, आप पोस्टर बैनर जो भी चीजें बना रहे हैं, आप उसमें उसका रीनेम कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल एक्स वाई जेड कर देते हैं। मैंने फिलहाल एक्स वाई जेड कर दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, आपको कितने पेज चाहिए। अगर आप ब्रोचर्स वगैरह बना रहे हैं मल्टीपल पेज का, तो आपको ज़्यादा पेज की जरूरत पड़ेगी। आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं फ्रंट बैक, तो दो पेज की जरूरत पड़ेगी। आप बुक्स बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे पेज की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस दिए गए हैं कि आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं वो कितने पेज चाहिए। आप यहाँ पे वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं, जैसे 50 पेज चाहिए, आप यहाँ पे 50 टाइप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज प्रीव्यू। यहाँ पे पेज प्रीव्यू कैसा चाहिए, आपको पेज व्यू कैसा चाहिए। फर्स्ट जो दिया गया सिंगल व्यू दिया गया। अगर आप सिंगल व्यू पे क्लिक करके ओके करते हैं तो आप देखिए कि हमने 5 पेज लिया यहाँ पे, और ये सिंगल सिंगल व्यू पेज हो रहा है। ये सिंगल सिंगल, जैसे नीचे आप बॉर्डर में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन पेज हमारा सिंगल सिंगल व्यू हो रहा है। इसी में आपका दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल व्यू। अगर आप मल्टीपल व्यू करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक ही आर्टबोर्ड पे हमारे पास पांचों पेज आ गए। एक ही आर्टबोर्ड पे पांचों पेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको जिस तरह से पेज व्यू चाहिए आप उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आते हैं प्राइमरी कलर मोड। आपको कलर मोड कैसा चाहिए, कलर मोड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कलर मोड क्या होता है कि जैसे आपको प्रिंटिंग के लिए चीजें यूज करनी है तो आप CMYK के यूज करेंगे। अगर आपको वेब के लिए चीजें यूज करनी है तो आप RGB यूज करेंगे, CMYK एंड RGB। तो प्रिंटिंग करना होगा तो CMYK, और अगर वेब के लिए चीजें बना रहे हैं जैसे सोशल पोस्ट बना रहे हैं तो आप RGB यूज करेंगे। उसके बाद पेज साइज, यहाँ पे आपको ये सारा पेज साइज दिया गया है। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पेज साइज दिया गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खुद से साइज लेना है, जैसे बैनर का साइज, विजन कार्ड का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, पोस्टर का साइज डिफरेंट होता है, प्लेस के अकॉर्डिंग भी हम लोग साइज लेते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे 20x10 हमें साइज चाहिए तो वो पेज साइज हमारा आ जाएगा। यूनिट्स कैसा चाहिए, जैसे इंचेस है, मिलीमीटर्स है, पॉइंट्स है, पिक्सल्स है, फिट है, आपको जैसा यूनिट्स चाहिए आप यहाँ से यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे ओरिएंटेशन है। किसी भी सॉफ्टवेयर में दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी बोलते हैं। तो ओरिएंटेशन जो होता है हमारा दो ही होता है। उसके बाद उसके नीचे रिजोल्यूशन दिया गया। रिजोल्यूशन डेप्थ पर इंच, रिजोल्यूशन पिक्चर की क्वालिटी, डेप्थ पर इंच कितना चाहिए आपको। प्रिंटिंग के लिए अगर कोई भी चीज़ें आपको रिजोल्यूशन 300 रखना होगा प्रिंटिंग के लिए। अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए कोई भी चीज़ें बना रहे हैं तो आपको 72 रखना होगा रिजोल्यूशन। तो ये पेज सेटिंग था हमारा। ये सारा सेटिंग्स आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज आ गया। हमने वहाँ पे 5 पेज सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे देखिए आप 5 पेज आ गया। तो इसको हम अभी 1 सिंगल पेज करते हैं, सिंगल व्यू एंड सिंगल पेज। ओके, और साइज हमारा A4। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब इसे हम क्या क्या चीजें बोलते हैं। जो ये आपको दिख रहा है ये आर्टबोर्ड, ये आर्टबोर्ड होता है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। उसके आसपास जो एरिया होता है वो आर्टबोर्ड एरिया होता है। और
लेफ्ट साइड में आपको टूल बार दिख रहा है, ये इससे सारा टूल हम यूज करते हैं। ऊपर में आपको मेन्यू बार दिख रहा है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इसमें सब इफेक्ट वगैरह के ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। उसी के नीचे जस्ट मेन्यू बार ऑप्शन होता है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल लिया तो इसका ऑप्शंस आ गया कि इसको रिसाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए, ये इसका ऑप्शंस, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए ये मेन्यू बार ऑप्शन। और राइट साइड आपको कलर प्लेट, आपको राइट साइड कलर प्लेट मिल जाता है। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ के बारे में था कि हम पहले इंट्रोडक्शन पेज कैसे लेते हैं, पेज का सेटिंग्स क्या होता है, उसके बाद ये सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में हम टूल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।